हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाइक मिनिस्टर में। मैं हूं अंकित और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अपने ड्रीम बाइक से मैं मिलने चल रहा हूं और मैं अभी आया हूं होंडा के बिग विंग शोरूम में, आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं होंडा की हाइनेस CB350 बाइक के बारे में। उसके कितने वेरिएंट्स हैं, क्या कलर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। और इन सारे चीज़ को स्टार्टिंग से, बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो मॉडल है जो होंडा ने हाइनेस में निकाला, वो सबसे पहला मॉडल है DLX। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं DLX मॉडल की तरफ और उसके लुक से लेकर सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। सो सबसे पहला जो मॉडल है होंडा हाइनेस का, वो है ये DLX मॉडल। इसके बाद DLX Pro एंड नेक्स्ट है CB350 RS मॉडल, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। DLX के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले लुक्स आप देख सकते हैं, किस तरीके का लुक्स है इसका। ये आप देखिए कैसा लुक है, कितना बढ़िया लुक इसका आ रहा है। ये एक रिट्रो फिनिश बाइक होंडा ने बनाया है, जो कि रॉयल एनफील्ड के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है। और इसकी क्या लुक्स हैं, कैसा लग रहा है ये क्रोम में, ये एकमात्र एक ऐसी यूजर बाइक है अभी प्रेजेंट में जिसका कि ये राउंड हेडलैम्प इसको रेट्रो लुक भी देता है और साथ में इसमें LEDs दिए गए हैं DRL में। इसके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है लाइट। देखो आप लोग, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका व्यू है, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। इसमें LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिसमें कि DRLs हैं, इसमें भी DRL दिया गया है। ये आपको हेडलाइट का मैंने व्यू बताया। क्रोम फिनिश में आपको फेंडर्स मिलते हैं, आगे भी फेंडर क्रोम फिनिश में है, पीछे का भी फेंडर क्रोम फिनिश में है। ये ना मतलब बहुत अच्छा लुक इसमें दिया गया है। रेट्रो बाइक में जिस तरीके का हम लोगों के अंदर दिमाग में चलता है कि कैसा बाइक होना चाहिए, एक रेट्रो फिनिश का, एक क्रूजर बाइक जिस तरीके की होनी चाहिए, उस तरह का फिनिश हम लोगों को मिलता है। तो ये जो बाइक है उसका आप देखिए इंजन पोर्शन है। इंजन ज़्यादातर बाइक्स में मैट कलर का होता है, जबकि इसमें शाइनिंग कलर में, मेटेलिक कलर में इंजन दिया गया है, ठीक है। इसका यहाँ पर HNS का जो लोगो है, ये देखिए कितना बढ़िया है लग रहा है। यहाँ पे होंडा का लोगो दिया गया है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। अब शुरू करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से, इसके टायर सेक्शन से मैं आपको शुरू करता हूँ बताना। इसका जो फ्रंट वाला टायर आप देख रहे हैं, 19 इंच का टायर है, इसमें 100x90 का टायर फिट होता है। और ये इसमें स्पोक व्हील्स नहीं दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। जहाँ अगर हम बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर में हमें मिलता है 18 इंच का टायर, 130x90 का टायर इसमें मिलता है, ये भी ट्यूबलेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेक्स जो हमें मिलते हैं वो डिस्क ब्रेक मिलता है अपने को। डिस्क ब्रेक 310 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और डुअल चैनल ABS के साथ लेस्ड है ये। रियर में जो अपने को डिस्क ब्रेक मिलता है वो 240 mm का मिलता है। रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का हमें मिलता है, 240 mm का डिस्क ब्रेक है बैक साइड में। इसकी जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की अगर हम बात करें, तो सस्पेंशन टेलीस्कोप फोक्स हमें यहाँ मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा। पीछे हमें डुअल सस्पेंशन मिलता है, ये डुअल सस्पेंशन इसमें दिया गया है। इसका जो चेसिस फ्रेम है वो डुअल क्रेडल फ्रेम इसमें दिया गया है। इसका ये लेग गार्ड आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, ये मतलब बेसिक जो एसेसरीज बाइक में प्रोवाइड की जा रही है वो भी काफ़ी प्रीमियम दी जा रही है। अब हम इसकी मिरर्स की बात करें, तो मिरर आप देखिए क्रोम फिनिश में मिरर दिया गया है, ऑलमोस्ट इतने जगह क्रोम यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं हेडलाइट में क्रोम है, इसके फ्रंट फेंडर में क्रोम यूज़ किया गया है, इसके जो मिरर्स हैं इसमें क्रोम यूज़ किया गया है, हैंडल बार में क्रोम यूज़ किया गया है, इंजन की थोड़ी सी पार्ट भी क्रोम की है यहाँ पर भी। बैक में अगर आ जाए, पीछे के पोर्शन में आ जाए, पीछे के पोर्शन में अपना बैक फेंडर क्रोम का है, ये बैक लाइट क्रोम का है। अब मैंने आपको हेडलाइट दिखाया, फ्रंट में हेडलाइट शो किया, अब मैं आपको बैक लाइट दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका व्यू है, कैसा ये दिखता है, कितना प्रीमियम दिखता है। ये आप देखिए, ये इसका बैक लाइट है और ये इसके इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ और बैक लाइट को दिखाता हूँ कैसे लग रहे हैं। ये आप देखिए,
ये इंडिकेटर्स कितने प्रीमियम लग रहे हैं, एलईडी इंडिकेटर्स। और इसका ब्रेक लाइट आप देखिए, ये ब्रेक लाइट है इसका, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। मतलब जिस तरह का रेट्रो बाइक्स में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, एकदम उसी तरीके का इसका लुक आ रहा है। सारी चीज़ें, ये साड़ी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। आप फैमिली के साथ अगर ट्रैवल करते हैं, फैमिली के साथ आप लेकर जाना जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को बैठाते हैं, तो आप आराम से इसको बैठा सकते हैं। इसका जो फुटपेक है ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसको दिया गया है, काफ़ी अच्छा फुटपेक है। पीछे वाला आप ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है आजकल सारे बाइक्स में, बट ये आगे वाला काफ़ी बढ़िया है। मतलब हम लोग इस पर ऑफ रोडिंग करना चाहें तो खड़े होकर के जो ऑफ रोडिंग करते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसके इंजन की बात करते हैं। इसका जो इंजन है वो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन इसमें आता है, जो कि 350 cc का इंजन है। इसमें हमें अप्रॉक्स 21 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलता है, जो कि जितने भी क्रूजर बाइक्स हैं उनमें, जो 350 cc के सेगमेंट में जो बाइक्स आती हैं उसमें काफ़ी एक अच्छा इंजन है इसमें। इसका जो टॉर्क है वो इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट टॉर्क है, जो कि 30 Nm का है। और सबसे खास बात कि वो लो एंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, यानी जो आपको हाईएस्ट टॉर्क देखने को मिलता है वो 3000 RPM पर ही आपको मिल जाएगा, जो कि बाकी बाइक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो इस बाइक का ये सबसे खास बात है। इंजन का आप लुक देख सकते हैं, इंजन में कैसा क्रोम फिनिश दिया गया, मतलब इंजन देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है। ये आई थिंक फ्यूल कैप दिया गया है यहाँ पर, फ्यूल पास होता है उसके लिए कैप दिया गया, वो भी क्रोम से इसमें यूज़ किया गया है। और काफ़ी बढ़िया प्रीमियम इसका लुक बनाया गया है। साथ में इसके जो फीचर्स है, इसके जो इंजन है, इसका जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये अपना स्पीडोमीटर है यहाँ पे। यहाँ पे हमें इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, टॉर्क ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जो कि टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हमारी बाइक कभी स्लिप करने वाले कंडीशन में होगी तो उसको ये प्रिवेंट कर सकता है। यहाँ पर हेडलाइट का बीम आपको दिख रहा है, ये हेडलाइट बीम यहाँ पर दिया गया है। ये सर्विस इंडिकेटर है, ये न्यूट्रल गियर का इंडिकेटर है, यहाँ पर ABS का इंडिकेटर अपने को मिलता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइड स्टैंड इंडिकेटर ऑन हो गया है यहाँ पर, ये साइड स्टैंड इंडिकेटर है। और यहाँ पर इको मोड का भी इंडिकेटर मिलता है, ये आप देखिए, ये इको मोड का इंडिकेटर है। इको मोड अप टू 90 km/h के स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो ये इको मोड वहाँ तक ऑन रहेगा। आपको ये प्रेजेंट करता है कि आपकी बाइक का परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसकी स्विचेस पर आते हैं। राइट हैंडल बार के राइट पोर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें मिलता है किल स्विच, जो कि इधर, अगर इधर हम प्रेस करते हैं तो इंजन बंद हो जाता है और इधर प्रेस करेंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा। ये हैजार्ड स्विच है। हैजार्ड स्विच का यूज़ आप तभी करें जब लो विजिबिलिटी हो बाइक की, व्हीकल की लो विजिबिलिटी में इसको यूज़ करिए, या तो बाइक के साथ किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है तब आप इसको यूज़ करिए। हैजार्ड स्विच को यूज़ करके कंटिन्यू बाइक हमें नहीं चलानी चाहिए। लेफ्ट हैंडल बार के लेफ्ट पोर्शन में देखते हैं कि क्या क्या स्विचेस दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉर्न का स्विच दिया गया है, यहाँ पे ये इंडिकेटर का दिया गया है। ये थोड़ा सा ऑड है इस बाइक में कि दोनों अपोजिट साइड में दिए गए हैं। जनरली ऊपर इंडिकेटर होता है, नीचे हॉर्न होता है, बट कोई नहीं, हैबिचुअल हुआ जा सकता है। जो लोग रेगुलरली यूज़ करेंगे उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हॉर्न है, कहाँ पर इंडिकेटर है। और फ्रंट पोर्शन में इसके पास लाइट और अपर बीम के लिए स्विच दिया हुआ है। इसका ये ग्रिप की बात करूँ तो ग्रिप काफ़ी प्रीमियम है, जैसा कि जनरली होंडा में देखा जाता है उस तरीके का इसमें ग्रिप दिया हुआ है। इसका जो क्लच है वो क्लच असिस्ट स्लीपर क्लच है, यानी कि आप हाफ क्लच में भी गियर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बाइक्स में अभी करंट टाइम में अवेलेबल है। इसके ब्रेक लीवर्स भी आप देख सकते हो सिल्वर कलर के हैं, जो कि थोड़ा बहुत क्रोम फिनिश अपने को देता है। इसके टैंक का बात करते हैं। इसका जो टैंक है ये आप देखिए, टैंक मैसिव, पता नहीं पिक्चर्स आप देखते हो तो किस तरीके से आपको ये बाइक दिखती है, बट आप जब रियल में इस बाइक को देखोगे तो ये काफ़ी मैसिव लगता है ये बाइक। और इसका जो फ्यूल टैंक है ये 15 liters का फ्यूल टैंक है अपना। और इसका सीट आप देख सकते हो, सीट का पोस्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसका सीटिंग पोस्चर देख सकते हो। इसका सीटिंग पोस्चर जो है, ये आप ट्राइंगल देख सकते हैं, बॉडी का जो ट्राइंगल बनता है, ये जो अपना थाइस का ये शेप आप देख रहे हो किस तरीके से खड़ा हुआ है, ये काफ़ी कम्फर्टेबल होने वाला है। मैं आपको राइडिंग करके भी दिखाऊंगा कितना अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस होने वाला है।
एग्जॉस्ट आप देखिए, ये भी क्रोम सेगमेंट में है और इसका एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो पूरा उसका पूरा पाइप क्रोम फिनिश में एक तो आ रहा है, दूसरा जो नॉर्मली बाइक्स में होता है काफ़ी नीचे या काफ़ी ज़्यादा ऊपर की जो पोजीशन होती है वो नहीं है, ये बहुत स्पोर्टी लुक भी दे रहा है और अच्छी जगह पोजीशन है जिससे किसी बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, पिलियन कोई भी रहे उसे प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जॉस्ट से, एग्जॉस्ट काफ़ी पास भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी नहीं है जिससे चोट वगैरह लगने का डर रहता है। इसका जो चेसिस आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये ड्यूअल क्रेडल फ्रेम इसमें दिया हुआ है जिसका सेटिंग पोस्चर मैंने भी आपको दिखाया, मैं सीट दिखाता हूँ, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं पास से, ये सीट काफ़ी अच्छा है इसमें दिया गया है, कुशन इसका बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा छोटा है बट हाँ इतना भी छोटा नहीं है कि पिलियन बैठ नहीं सकता, थोड़ा सा इसे और इसमें भी ऑप्शन आता है अपने को स्प्लिट सीट लगवा सकते हैं जो कि इससे थोड़ा सा लंबा मिलेगा, लेंथ में ज़्यादा रहता है तो ईजी हो जाएगा आपको राइड करना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर रेंज आ रहा है, रेंज के साथ में, और रेंज का मतलब ये है आपके गाड़ी में जितना फ्यूल होगा उस हिसाब से व्हीकल कितनी किलोमीटर्स और ट्रैवल कर सकती है उसके बारे में यहाँ पर आता है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो बैटरी का वोल्टेज कितना है, यानी कि कितनी बैटरी चार्ज है वो आपको यहाँ से पता चल सकता है, ओडोमीटर है ये जो टोटल लिखा हुआ है, टोटल किलोमीटर्स कितने चले हैं, ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, इसमें यहाँ पे माइलेज इसका आप देख सकते हो, जब बाइक चलेगी तो एक आपको माइलेज टोटल एवरेज माइलेज आपको आएगा यहाँ पर, एवरेज यहाँ किलोमीटर्स आपको दिखे हैं, ट्रिप ए दिया हुआ है, ट्रिप ए में एवरेज क्या था वो आपको पता चलेगा। अगेन रेंज आ गया, नीचे बढ़ते हैं, नीचे फ्यूल का इंडिकेटर दिया हुआ है, फ्यूल कितना है वो पता चलेगा, कौन सा गियर पोजीशन है वो आपको पता चलेगा, अभी न्यूट्रल में तो न्यूट्रल आ रहा है, टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके क्लस्टर में है। साथ में यहाँ क्लस्टर के बगल में ये सी टाइप चार्जर भी आपको मिलता है जो कि ईजिली यूज़ कर सकते हैं, हालाँकि अभी सी टाइप से लोग उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं हुए हैं, बट यहाँ यूएसबी भी होता तो अच्छा है, बट फिर भी आने वाले टाइम में सी टाइप ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये आप देख सकते हैं गियर इसका है, गियर इस तरीके का इसमें गियर दिया हुआ है और थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है जिन लोगों का शू साइज़ छोटा हो, उनको पैर आगे पीछे करना पड़ सकता है बार बार गियर शिफ्ट करने के लिए, इसमें भी नॉर्मली जो सिंगल साइडेड वाला गियर होता है अगर वो दिया जाता तो काफ़ी बढ़िया था, खैर उसको चेंज भी शायद कराया जा सकता है, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होगा ही इसमें। दूसरा इसमें फाइव गियर्स दिए गए हैं, वन डाउन एंड फोर अप जैसे सारे बाइक्स में होता है। ये मैंने आपको DLX मॉडल के बारे में बताया, इसमें तीन कलर्स आते हैं, ये एक ग्रीन कलर आता है, एक रेड कलर आता है जो कि मरून फिनिश में होता है और एक ब्लैक कलर आता है, ये तीन कलर्स इसमें आते हैं। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं DLX प्रो मॉडल की तरफ और जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है DLX मॉडल। बाइक के स्पेसिफिकेशंस जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें आपको तीन डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो इसमें ड्यूअल टोन कलर होता है, मैं आपको टैंक दिखाता हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा, ये टैंक में आप देखेंगे ये आपको दो कलर दिख रहे हैं, ड्यूअल टोन कलर इसमें मिलता है। मैं DLX मॉडल पर ले चलता हूँ वापस से, DLX मॉडल में आप देख सकते हो जो हॉर्न है वो सिंगल हॉर्न दिया हुआ है जबकि DLX प्रो मॉडल में ड्यूअल हॉर्न दिए गए हैं, आप देख सकते हो दोनों भी क्रोम फिनिश में दिया गया है, ये दो चीज़ें अंतर है। और थर्ड पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका वॉइस कंट्रोल सिस्टम, ब्लूटूथ से वॉइस कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि DLX मॉडल में नहीं दिए जाते हैं, इन बटन से आप जो ऑपरेशन हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप उसको भी ऑपरेट कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ऑपरेट होता है। एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से इसको ऑपरेट करें और एक ऑप्शन है कि आप अपने हैंडल बार से ही इसको चेंज कर सकते हो एंड मूव कर सकते हो, ये आप देखिए ये चेंज हो सकता है, इसका जो भी ऑप्शन है वो चेंज हो सकता है यहाँ से। तो ये वॉइस कंट्रोल सिस्टम से आप अपने इसका एक ऐप होता है होंडा का रोड सिंक करके, उस ऐप से आप कनेक्ट कर लोगे ब्लूटूथ तो आपकी नेविगेशन में आपको हेल्प मिलेगी, आप कॉल्स आंसर कर सकते हो, हैंगअप कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, तो बहुत सारे ऑपरेशन इसके थ्रू ईजी हो जाएंगे। तो जो हम लोग मोबाइल निकाल करके ब्लूटूथ से कॉल आंसर करते थे वो सारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके थ्रू। आप अगर आपने ईयरफोन भी लगा रखा है, अगर ब्लूटूथ इंटरफोन नहीं यूज़ कर रहे हो आप, तो आप सिर्फ ये बटन प्रेस करके भी कॉल आंसर कर सकते हो और आपको डायरेक्टली ईयरफोन के थ्रू आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसमें भी तीन कलर आते हैं,
ये जो कलर हम देख रहे हैं ये मैट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, मैट ब्लैक है और ग्रे कलर है। एक कलर आता है जो कि शाइनिंग ब्लू एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है और एक शाइनिंग ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तीन चीज़ें, तीन कलर्स इसमें आते हैं और ये तीन डिफरेंसेस हैं DLX प्रो मॉडल से, DLX प्रो मॉडल में DLX मॉडल से। ठीक है, अब जो थर्ड मॉडल है उस पर चलते हैं। तीसरा जो मॉडल है वो है 350 RS। आइए देखते हैं 350 RS। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक स्पोर्ट्स क्रूजर लुक में ये बाइक पूरी आती है, कम्प्लीटली स्पोर्ट्स क्रूजर है, कैफे रेसर टाइप का इसके ऊपर डिजाइन दिया हुआ है। आप देख सकते हो कितना प्रीमियम लग रहा है ये बाइक। मतलब अगर स्पोर्ट्स के लिए अगर लेना हो और मेरे पास दो बाइक लेने का ऑप्शन हो तो दूसरी बाइक मैं ये लूँगा, ताकि जिस दिन स्पोर्ट्स के पर्पज़ से अपने निकले तो बाहर जा सकते हैं और स्पोर्ट्स वाला आनंद इससे उठा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ डिफरेंट है वो आप देखिए। सबसे पहला जो लुक्स है, लुक्स की बात करें तो हेडलाइट सेम है, बट यहाँ पे क्रोम फिनिश अपने को नहीं मिलता है। इंडिकेटर्स इसमें भी LED दिए गए हैं, बट इसका जो शेप एंड साइज है वो अलग है। फेंडर्स अपने को जो मिलते हैं DLX और DLX प्रो में वो क्रोम के मिलते हैं, प्लस इसका साइज भी काफ़ी छोटा है स्पोर्ट्स के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका बैक फेंडर भी फाइबर का है और ये भी क्रोम में नहीं है। इसका टेल लाइट पोर्शन जो है आप देख सकते हो, ये जो टेल लाइट पोर्शन है, ये टेल लाइट पोर्शन भी डिफरेंट है। इंडिकेटर्स यहाँ भी वही यूज़ किए गए हैं जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया। प्लस इसका जो टायर सेक्शन है, टायर सेक्शन में आपको दिखाता हूँ, टायर सेक्शन में डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे जो बैक में आपको टायर मिलता है वो 17 इंच का मिलता है, 150x70, यानी कि DLX एंड DLX प्रो से वाइडर टायर आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर HNS का लोगो था, यहाँ पर CB350 का लोगो आ रहा है, CB350 RS का लोगो है। काफ़ी प्रीमियम लुक इसका मिल रहा है। इसमें आप कलर देख रहे हो, यह ब्लैक और येलो का कलर है और एक कलर और रेड कलर का आता है जो कि आई थिंक अभी अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर, आपको मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हो रेड कलर इसका इस तरीके का है। नेक्स्ट इसका बात करें तो इसमें इंजन गार्ड यहाँ पर नीचे की साइड दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो ये इंजन गार्ड है, ये इंजन गार्ड अपने को यहाँ पर मिलता है। इसमें वॉइस कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो कि DLX प्रो मॉडल में है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी सारे ऑपरेशंस एंड सारी चीज़ें सेम हैं। जहाँ पर क्रोम फिनिश DLX एंड DLX प्रो में यूज़ किया गया है वो कम्प्लीटली इसमें नहीं है, क्योंकि इसे स्पोर्ट्स का लुक दिया गया है। बस एक जगह क्रोम फिनिश आपको मिलेगा जो इंजन के पार्ट पर है। तो लोग अब एग्जॉस्ट देखते हैं, एग्जॉस्ट किस तरीके का है। ये आप देख सकते हो ये इसका एग्जॉस्ट नोट है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये आप देखिए एग्जॉस्ट नोट कितना प्रीमियम है। हम रॉयल एनफील्ड में देखते हैं उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन इसका एक यूनिक साउंड है जो कि काफ़ी अच्छा है। लो रेंज पर ये काफ़ी अच्छा रेव करता है, जब आप बाइक रेव करेंगे तो इसका थंप उसी हिसाब से बढ़ता है। अगर आप वाराणसी और नियर बाई रीजन से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होंडा बिगविंग का एक शोरूम है विद्यापीठ रोड पर, यहाँ ज़रूर आप विजिट करें। अब बाइक की प्राइसेस की बात करते हैं। ये जो DLX मॉडल है, DLX मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 1,96,000। अगर आप DLX प्रो मॉडल पे जाना चाहते हैं तो DLX प्रो मॉडल अपने को आता है 2,01,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पे। और अगर हम होंडा की RS मॉडल पर जाना चाहते हैं तो होंडा का RS मॉडल जो है वो 2,02,000 रुपये के प्राइस पे एक शोरूम प्राइस पर। इसमें जो भी एक्सेसरीज हैं, जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं, वो
सब लोगों के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट होता है। तो आप विजिट करें शोरूम पर और आपको जो भी डिटेल चाहिए हो और हमारी जो टीम है यहाँ पे शोरूम की, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।